फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ पेटीएम से कैसे फॉर्चिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पेटीएम खोल लिया हूँ। पासबुक चेक करके मेरा बैलेंस 145 रुपये है और अब मुझे प्ले स्टोर पर जाना है। तो प्ले स्टोर पर मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा। 100 रुपये से कम लेता नहीं है, तो मैं 130 रुपये करूँगा क्योंकि मुझे 130 का ही परचेस करना है। फिर प्रोसेसिंग हो रहा है एंड वेटिंग। तो मेरा सक्सेसफुल हो गया और मेरा रिडीम कोड भी आ चुका है। अब रिडीम कोड को यहाँ से एक स्क्रीन शूट कर लेते हैं। उसके बाद से स्क्रीन शूट करने से फ़ायदा यह है कि पेज मेरा पेटीएम मोबाइल पे भी आ गया, गूगल का मैसेज। तो अब मैं मोबाइल का देख लेता हूँ। हाँ, तो जैसे कि देख रहे हैं कि 1146 में आया है मेरा कोड, रिडीम कोड। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद से रिडीम कोड को वहाँ से कट कर लूँगा। फिर SMS में पेस्ट करके अपना रिडीम कोड कॉपी कर लूँगा आसानी से। तो मैंने तो कट कर लिया ऐसा। अब चलते हैं 8-ball pool पे। यहाँ पे कैसे करते हैं, तब तक मैं स्किप कर देता हूँ, पुश कर देता हूँ वीडियो। हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मेरा कनेक्टिंग कर रहा है और फ्रेंड्स तो हो गया। अब मैं ऑफ़र देखता हूँ फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑफ़र आया था इसके लिए मैं कर रहा हूँ, 7 लग्जरी बॉक्स मिल रहा है 130 रुपये में। तो मैंने 130 का परचेस किया है। रिडीम कोड मेरे पास है। इससे पहले मैं सेंट्रल बैंक से किया था नेट बैंकिंग द्वारा, आज रिडीम से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना रिडीम कोड वहाँ से कॉपी किया था, पेस्ट कर दूँगा और आगे का प्रोसेस। तो कॉन्फर्म अकाउंट, तो देखिए यू न्यू बैलेंस इज 135। मेरा पहले से 5 रुपये था इसमें। गूगल के अकाउंट पे आप बाय करके कॉन्फर्म, और मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, तब तक एस्किप। हाँ, तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और आगे देखिए फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब की मुझे जो बहुत ज़रूरत है। पेमेंट सक्सेसफुल। अब देखिए पर्सिंग हो चुका है और मुझे 260 VIP पॉइंट्स मिले हैं, 7 लग्जरी बॉक्स। तो ऐसे फ्रेंड्स करते हैं पर्सिंग पेटीएम से, गूगल और गूगल से रिडीम कोड लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोर वीडियो। मैंने पहले से किया था।
130 का फिर एक बार और कर लिया, कोई मेरा लग्जरी बॉक्स नहीं खुला था इसके लिए। अब मैं फिर इसको खोलता हूँ, उसके बाद से मैं इसका रिव्यू दिखाऊंगा। थैंक यू।